Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आखिरकार वो खबर आ गई जिसका इंतजार बाजार लंबे समय से कर रहा था और बाजार ने उस पर अपना उत्साह अपना जोश दिखा भी दिया है। एक ही दिन में आज जबरदस्त 612 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में आया और भारत के शेयर बाजार का मार्केट कैप यानी सारे शेयरों की कुल कीमत में एक दिन में 230,000 करोड़ का इजाफा साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये जो स्टॉक मार्केट की रैली है ये मोटे तौर पे उस खबर से आई है जिसका इंतजार बाजार को चल रहा था। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होने के लक्षण अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। जो फेडरल रिजर्व अमेरिकी सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व उसके चेयरमैन जेरोमी पॉवेल ने कहा कि अब बिल्कुल सामने है इंटरेस्ट रेट कट और इसका मतलब स्पष्ट है कि सितंबर में अब फेड रिजर्व रेट कट कर सकता है और इसके साथ अमेरिका में महंगाई का अच्छा आंकड़ा आया यानी महंगाई कम होती दिख रही है और जॉबलेस क्लेम भी कम हुए यानी बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की गिनती भी कम हो गई है और ये सारा जोड़ के बाजार के लिए उत्साह की खबर बनी और निफ्टी ने 25,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। 187 पॉइंट का उछाल दिया और 25,000 के ऊपर चला गया। खास तौर पे इंडेक्स हेवी वेट जो हैं फाइनेंशियल्स में और आईटी स्टॉक्स में वो कंपनियां जिनका पिछले काफ़ी समय से जिनके बारे में चल रहा था कहाँ जा रही हैं समझ नहीं आ रहा है। HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, NTP, CHCL, टेक, इन्फोसिस और TCS ये सेंसेक्स की जो आज की तेजी है उसके टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। लेकिन दूसरी तरफ से आप जाएं तो IT कंपनीज जिनकी सबसे ज़्यादा कमाई अमेरिका से होती है वो 1.4% का उछाल उसमें दिखा है जिसमें से HCL टेक्नोलॉजी 4.2% बढ़ी है और वो निफ्टी की टॉप गेनर थी आज की। जबकि टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां भी 2-2% से ज़्यादा बढ़ के बंद हुई हैं। आज का टॉप सेक्टोरल इंडेक्स है मेटल्स जो 2.16% के उछाल के साथ बंद हुआ है और वजह क्या है वहाँ उनको लगता है कि अगर फेड रेट कट होगा तो अमेरिकी डॉलर भी कमज़ोर होगा और इसके साथ जो दुनिया भर के बाजारों में मेटल्स का भाव है उस पर असर आएगा, मेटल के कारोबार पर असर आएगा और इसीलिए इस सेक्टर के गेनर्स में नेशनल एल्यूमिनियम यानी नेल्को, सेल और हिंडाल्को ये तीन कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ रहीं। दूसरी तरफ जो हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप्स हैं उन्होंने भी 0.3% और 0.6% का उछाल दिखाया। लेकिन बड़ी गिरावट जिन शेयरों में आई है उनमें सबसे ज़बरदस्त आज की खबर है पेटीएम, 4.4% की गिरावट क्योंकि सेबी ने फाउंडर विजय शेखर शर्मा को और कंपनी के बोर्ड मेंबर को 2021 में जो IPO आया था उसकी प्राइसिंग में कुछ गड़बड़ियों को लेकर नोटिस दे दिया है। अभी एक दिन पहले अनिल अंबानी पे बड़ा एक्शन हुआ है और अब एक नया स्टार दूसरा स्टार विजय शेखर शर्मा अब फिर सवालों के घेरे में दिख रहे हैं। ऐसे लगता है कि जो अमेरिका से जो रेट कट की खबर आ रही है ये एक तरह से बाजार में उछाल दिखा रही है, बाजार में इसकी वजह से ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है और फिर कह रहे हैं कि साहब ब्रॉडर मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडेक्स में वैल्यूएशंस बेहतर दिख रहे हैं। हालांकि वैल्यूएशंस भारत में बहुत ही एक विचित्र प्रश्न है, कब वैल्यूएशन अच्छा दिखता है कब वैल्यूएशन महंगा हो जाता है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज की खबर यह है कि बाजार में बाहर है। बिज अड्डा में आज इतना ही, विजा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।